दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नारा था कि जो कहा सो किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तुगलकाबाद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री सईराम पहलवान जी ने आज 3 मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन करे। तीनों मोहल्ला क्लिनिक में बड़ी आलिशान फैसिलिटीज जनता के लिए उपलब्ध कराई गई है और खासकर MBBS डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार का ये बहुत ही आलिशान और ऐतिहासिक दिल्ली की जनता के लिए तोहफा है। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। जिस तरह से देखा B1 में आज मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, दिल्ली सरकार में ज्यादा काम कर रही है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, आज दिल्ली जैसे शहर में गरीब आदमी, मजदूर आदमी और मध्य वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए दिल्ली जैसे शहर में, महंगे शहर में इलाज कराना बहुत ही बड़ी समस्या थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच इतनी आगे है कि उन्होंने याद यहाँ देखने में ही नहीं, मेरे यहाँ लाल कुआ में, बहलादपुर से पार्वती मंदिर के सामने 5 मोहल्ला क्लिनिक है जिनका एक अब यहाँ उद्घाटन हुआ है। अभी हम तुगलकाबाद गांव में जा रहे हैं, बहुत बड़ी कॉलोनी, बहुत बड़ा गांव है, वहाँ मजदूर लोग ज़्यादा रहता है। इसके बाद वहाँ उद्घाटन है, उसके बाद HR ब्लॉक बहलादपुर में है। जैसे मैंने बताया ना, मजदूर वर्ग और गरीब लोगों के लिए ये जीवन बूटी है। जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों में इतने महंगे से महंगे इलाज होते हैं, गरीब व्यक्ति नहीं जा पाता है, उस तरह से जो केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं ताकि गरीब व्यक्ति यहाँ पर आ सके, इलाज करवा सके, किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे प्राप्त करवाई जाएंगी? हर तरह का इलाज है यहाँ पे। और अभी अगले चरण में मैं अपने यहाँ हमारे DSIDC जमीन हमने चिन्हित किए, वहाँ मोहल्ला पोलो क्लिनिक बनाने जा रहे हैं, जिसमें अगर कोई इमरजेंसी में दिक्कत, ज़्यादा दिक्कत होती है पेशेंट को, तो उसे एडमिट करने तक की उसमें लिमिट होती है। 5 पेशेंट 10 पेशेंट उसमें एडमिट होकर इलाज करा सकते हैं, जिसमें आप MRI, अल्ट्रासाउंड, कोई भी टेस्ट वो इमीडिएटली 24 घंटे कभी भी आप करा सकते हो। और उससे बड़ा और मैं कहूँगा, एक और धन्यवाद करूँगा CM साहब का, एक जो उन्होंने योजना चलाई है दिल्ली में, आप भी फरिश्ते बन सकते हो, फरिश्ता योजना है जो, उसमें अगर भगवान ना करे दिल्ली में कोई बाहर से किसी रिश्तेदार आए, कोई मिलने आए, नौकरी के लिए आए, और भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसे नज़दीक आप किसी भी हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल, मैंने कई अपोलो जैसे हॉस्पिटल में कई लोगों का ट्रीटमेंट कराया है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आप खाली जाके वहाँ इन्फॉर्म करो, कॉल करो, वो इमीडिएटली आपको इलाज देंगे। कितना महंगा इलाज हुआ आपका, तो स्वास्थ्य के बारे में तो दिल्ली सरकार का बहुत एक मील का पत्थर मैं कहूँगा ये साबित होने जा रहा है। हमारे केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के जो बनाया वो गरीबों के लिए, मध्यम वर्गों के लिए, यहाँ तक कि अमीरों भी लाइन में खड़े होकर के इलाज करवाते हैं, और अच्छा इलाज होता है, दवाई बढ़िया मिलती है। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, सईराम पहलवान को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जनता के लिए आपने इतना काम किए, आपको है ना आगे के जो मौका मिलेगा, हम उम्मीद करता हूँ कि आप भी आगे ऐसे जनता की सेवा करते रहेंगे। सरकार जो मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन दिन पर दिन करती जा रही है, चुनाव नज़दीक हैं और गरीबों को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिल रहा है, क्या लगता है सही काम है? ये तो बहुत ही अच्छा काम है। केजरीवाल सरकार ही आई, तो काफ़ी जिनके पास पैसा नहीं था या कोई दिक्कत थी, जो बाहर दूर नहीं जा सकते थे, उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप है। यहाँ पर अच्छे से अच्छा इलाज मिल रहा है, और जो भी जाते हैं काफ़ी मतलब सब एकदम फ्री रेट पे यहाँ पर हो जाते हैं, यहाँ पर कोई किसी का कोई पैसा नहीं लगता है, और मतलब आसानी से लोग पहुँच जाते हैं। सईराम पहलवान जी के द्वारा मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, गरीबों के लिए एक तोहफा दिया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, सईराम पहलवान जी अपने तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो काम आज के डेट में वो कर रहे हैं यह काम 17 साल पहले भी इस क्षेत्र में नहीं हुआ। केजरीवाल जी हमारे ऑल दिल्ली में जितना काम कर रहे हैं,
दुनिया जानती है, और दोबारा फिर वही केजरीवाल जी आएंगे और उनका काम बहुत सराहनीय है। मैं यही कहूँगा सभी माताओं भाइयों बहनों से कि अपना यहाँ में इलाज लें और केजरीवाल जी का साथ दें। साईं राम जी पार्क में भी यही बना। मैं यही कहूंगा जनाब कि पहली बात तो बहुत खुशखबरी का दिन है आज कि दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे प्रिय विधायक चौधरी सईराम पहलवान जी, जो पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र को कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, सारी सुविधाओं से ये वंचित था ये क्षेत्र, और मैं बड़ा बधाई का पात्र अपने आप को भी समझता हूँ कि मैं इन विधायक जी के साथ काम करने में कंधे से कंधा भिड़ा कर आगे रहता हूं, और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दिलाने की कोशिश करता हूं गांव के हमारे जो परिवार हैं उनको। और मैं यही चाहूंगा कि सईराम जी जैसे एमएलए हर विधानसभा को मिलना चाहिए, और सईराम पहलवान जी के घर बखान तो क्या करें कि पाँचों साल काम किया है। इस तरह से आप तुगलकाबाद विधायक सईराम पहलवान जी के द्वारा 3 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया जा रहा है, जनता को इतना बड़ा तोहफा दिल्ली सरकार ने दिया है, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में बहुत अच्छी खबर है और लोगों में चर्चा भी है, और 3 ही नहीं 3 अभी और करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन में वो भी तैयार होनी है। हमने 20 मोहल्ला क्लिनिक के लिए यहाँ दिया गया था तुगलकाबाद विधानसभा के लिए, और सब सईराम के प्रयास से हुआ है। सईराम जी ने वहाँ जाके भरपूर जनता की वकालत की, जो उनको आज जनता की सुविधा के लिए सईराम पहलवान आज उद्घाटन कर रहे हैं, जनता आप देख रहे हैं सब कुछ है, और जनता में अच्छा मैसेज है सईराम के साथ। क्षेत्र की जनता सबसे बड़ी बात ये है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। दिल्ली सरकार जो भी कर रही है जनता के लिए बहुत अच्छा कर रही है, जिसमें कोई भी पेशेंट चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको ये सुविधा दी जा रही है, सारे ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं और उनके ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से किए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में किस प्रकार का इलाज आप लोग करेंगे? मोहल्ला क्लिनिक में जितना PSC पे जो इलाज होता है उस लेवल का सारा ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं। तो क्या कहना है जो जनता के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा? जी, ये जनता के लिए अमीर गरीब सबके लिए ये फायदेमंद होगा। ये है कि थोड़ा सा काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, पेशेंट को काफ़ी फीडबैक दे रहा है, पेशेंट की एक स्टैंडर्ड बन रहा है, थोड़ा टर्शियरी सेंटर में जा रहा है तो उससे काफ़ी मतलब पेशेंट एक अच्छा बन के वहाँ पे जा रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दिखा रहे थे लोगों के पास पेशेंट को कुछ भी होता है कि झोला छाप वगैरह ये सब समथिंग ये डॉक्टर्स होते हैं तो पेशेंट का वो ख़राब करते हैं, इम्यूनिटी पावर एक वीक होता है उससे। इससे काफ़ी है कि सारा एज ए हम MBBS डॉक्टर हैं तो काफ़ी बेटर कर रहे हैं उसमें। किन किन बीमारियों का यहाँ पर इलाज किया जाएगा? सारा कुछ है बीमारी तो जो भी है, यदि कुछ ऐसा सीरियस केस है देन उसको रेफर कर रहे हैं टर्शियरी सेंटर या जो लिंक है
जिससे मोहल्ला क्लिनिक पॉली क्लिनिक बना रखे गवर्नमेंट ने, वो सब लिंक कर रखा है उसमें, और सारा इन्वेस्टिगेशन भी फ्री है, 360 अप्रॉक्स इन्वेस्टिगेशन भी सारे फ्री हैं, एंड मेडिसिन भी आल्सो फ्री है, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो एक टर्शियरी सेंटर एक डिस्पेंसरी में नहीं अवेलेबल होती है, पेशेंट को काफ़ी मतलब वो करना पड़ता है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो एक एम था, जो उनकी सोच थी केजरीवाल जी की, जो केजरीवाल जी की सोच थी ना, वो केजरीवाल जी अपने सारे काम को अपने विधायकों द्वारा पूरे करवा रहे हैं। जो गरीब जनता दवाई नहीं ले सकती थी, जो छोटे मोटे डॉक्टरों से, झोला छाप डॉक्टरों से जो परेशान थे, जिनके बच्चे परेशान हो जाया करते थे, वो लोग आज मोहल्ला क्लिनिक के अंदर हमारे इतने बढ़िया परफेक्ट डॉक्टर जो MBBS MD करके आ रहे हैं, वो यहाँ पर अपने गरीब लोगों को फ्री में मुफ्त में दवाई दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। आज आपने देखा होगा, आज हमने इसका उद्घाटन किया है मोहल्ला क्लिनिक का, कितनी पब्लिक यहाँ पर आपके सामने दवाई ले रही है। ये जनता जो है आज बड़ी सुखी है केजरीवाल जी का, और हमारे जो विधायक हैं यहाँ के तुगलकाबाद क्षेत्र के, चौधरी सईराम पहलवान जी, जैसा उनका नाम है वैसे ही वो काम करते चले जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी उसके अंदर कोताही नहीं बरतते हैं। अगर कोई जरा भी कहीं गलत काम दिखता है, उसको फटाफट वो रोक टोक करके अपना सारे काम कर देते हैं। तो क्या लगता है अगला विधायक कौन होगा तुगलकाबाद? कोई मतलब ही नहीं है दूसरा आने का सईराम के सिवाय। सईराम जो है वो सईराम है, वो विधायक ऐसा हुआ मिला है यहाँ पर, आप ये तीन और एक चौथा विधायक ऐसा हुआ है हमारे पास। दो बार तो रमेश भिदौड़ी रहा, जिसने आज तक सड़कों की और इनकी आज तक सफाई भी नहीं हो पाई। आज वो पत्थर उठा रहे हैं, कंकड़ उठा रहे हैं, आज उनसे क्या फायदा? कूड़ा गिरा के फिर कूड़ा उठाओ, उससे कोई फायदा नहीं है। हम लोग दिल से सफाई कर रहे हैं, जनता को सफाई का अभियान चला रहे हैं। हम लोग जो है ये मोहल्ला क्लिनिक खोल खोल के जन जन का, हम लोग जो गरीब आदमी बेचारे 10 रुपये नहीं खर्च कर सकते थे, फ्री के अंदर मुफ्त दवाई। केजरीवाल जी हर हॉस्पिटल में जाते हैं, मुफ्त में दवाई दिलवा रहे हैं। जो दवाई वहां पर नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, उसका ब्यौरा मांगने के बाद अगले दिन तुरंत 24 घंटे के अंदर उस हॉस्पिटल में दवाई है।